केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के शिमला दौरे के दौरान लेह तक रेल लाइन की संभावनाओं से इनकार किया जाने पर हिमाचल कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ ये धोखा है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राणा ने केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर ऊना रेल लाइन के लिए टोकन मनी के रूप में 1,000 रूपए दिए जाने पर भी सवाल उठाए। वहीं विधानसभा में हुए हंगामे पर कांग्रेस विधायकों पर हुई कार्यवाही पर राणा ने कहा कि प्रदेश में दो कानून चल रहे, भाजपा के लिए अलग व अन्य लोगों के लिए अलग। हिमाचल कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी और चुनावों किसमें भाजपा की ओर से कहा गया था कि हिमाचल में रेल लाइन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है, इसे पूरा किया जाएगा। लेकिन अब रेल मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। अभिषेक राणा ने कहा कि अगर ये संभव नहीं है तो पहले भाजपा की ओर से लोगों को झूठ क्यों बोला गया। राणा ने कहा कि यही हाल हमीरपुर ऊना रेल लाइन का भी है, 1,000 रूपए ही दिए हैं। अभिषेक राणा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के बीच अंतर कलह आज सबके सामने है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज रेलवे की बात की जाए, रेलवे मंत्री ने अभी बयान दिया हाल ही में कि जो ले का सपना है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे उन्होंने देखा है हिमाचल की जनता के लिए, उसको वहां तक पहुंचाएंगे, आज साफ तौर पे उन्होंने मना कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ये भी बताएं कि जो 1,000 रुपये जो टोकन मनी झंडा और डंडा जो हमारे लिए हमीरपुर की जनता के लिए उन्होंने दिया है, उस 1,000 रुपये का जो मजाक उन्होंने बना के रखा है प्रदेश की और संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए, उसके ऊपर वो टिप्पणी क्यों नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार तो हर मोर्चे पर विफल है, प्रदेश सरकार भी हर मोर्चे पर विफल है, और ये जो आपस की इनकी अंतरकला है, जो लड़ाई है, उसकी वजह से जनता को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनता सब कुछ देख रही है, आने वाले समय पे निश्चित तौर पे जवाब देगी, लेकिन अभी तो हमें जो हिमाचल की जनता है वो जानना चाहती है कि उनके लिए क्या करने जा रही है सरकार, क्योंकि अभी सरकार के पास समय है। विधानसभा में हुए हंगामे के बारे में बोलते हुए अभिषेक राणा ने कहा कि सरकार विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अपने विधायकों के खिलाफ कार्यवाही न करके कांग्रेसी विधायकों को दोषी ठहरा दिया। इससे एक बात साफ है कि वे प्रदेश में एक नहीं बल्कि दो कानून हैं। जो लोग भाजपा के पक्ष की बात करते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती, और जो लोग सरकार का विरोध करते हैं उन पर हर तरह की कार्यवाही की जाती है, चाहे वे कोई भी हो। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए दोहरे मापदंड अपनाकर अपनी आवाज दबाने का काम कर रही है। जनता आने वाले समय में भाजपा को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रजातंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वही विधायकों को शांत कराने के बजाय, उनको समझाने के बजाय जो है उनके साथ ही धक्का मुक्की कर रहे हैं। वीडियो पे साफ तौर पे दिखा, आज अगर 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है तो वो इन हाउस एक्शन नहीं था, जो हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि हम उन पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई है एक्शन लेना चाहिए, तो ये भी बताइए कि कानून तो सबके लिए एक है, आपने डिप्टी स्पीकर हैं अपने जो नेता हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। आज विधानसभा में अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके उनके साथ एक बहुत बड़ा घेरा पुलिस वालों का और मार्शल्स का जो है वो साथ में उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेके जा रहा है। अभी उनकी जान को खतरा हो गया है, वो लोगों को धक्के मार रहे हैं, वो लोगों को बाहर भगा रहे हैं, विधायकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। वो अपना विधानसभा में अपनी कार्रवाई पूरा कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे उनको वहां पर बाहर बिठा दिया गया है, क्योंकि असली मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो भागना चाहती है। मैंने पहले भी कहा कि देखिए देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, जिस किसी भी पत्रकार ने कोई आवाज उठाई सरकार के खिलाफ उसको जेल में डाल दिया, किसी ने सोशल मीडिया में आवाज उठाई उसका अकाउंट बैन कर दिया, या तो उसके खिलाफ ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। आज विपक्ष जो है पहले दिन भी अगर सही ढंग से लोगों के पक्ष में आवाज उठाने का काम कर रहा है तो वहां पर जो है उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, और जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं जो वो गलत कर रहे हैं उनके लिए दोहरा नियम है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है, अफसोस बात है, और जनता इसको देख रही है।